Good morning, dear children. Welcome back to your English grammar class. Dear children, today in super test assignment 10, we are going to start page number 181. Before these, we have completed prepositions of time and prepositions of place. Today, we are going to learn more about the pre uh, prepositions. Okay, children, now like words.

दे मिल्क अब यहाँ पे जो इंटू आया है ये यूज़ होगा वेन वी आर हैविंग वाटर और सम लिक्विड इन अ कंटेनर ओके जब कोई लिक्विड किसी बंद जगह में है उस टाइम पर हम इंटू का यूज़ करेंगे आई वॉट दी बॉल फॉर टेन रुपीज़ अब जो बॉल है वो कितने रुपीज़ की आई है टेन रुपीज़ की आई है तो फोर टेन रुपीज़ ओके ही वॉज़ प्लेइंग विद हीज़ फ्रेंड्स किसके साथ खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है तो विद जो है हम पर्सनस के साथ यूज़ करेंगे ओके आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स मुझे चॉकलेट्स पसंद है ऑफ़ ठीक है आई वॉज़ टॉकिंग टू माई फ्रेंड मैं किससे बात कर रहा हूँ अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ कर रहा था वॉज़ है ना यहाँ पे आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है बेटा कि जब वॉज या वर आता है तो वो पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है ठीक है माई पेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स कि जो मेरा पेन है वो तुम्हारे पेन से डिफरेंट है द कंट्री इज़ नाउ एट वॉर ओके लेट्स डू द एक्सरसाइज हियर इन क्वेश्चन नंबर एट फिल इन द ब्लैक्स विद करेक्ट प्रिपोजिशंस गिवन इन ब्रैकेट्स नाउ लाइक प्रिपोजिशंस आर गिवेन इन द ब्रैकेट्स एंड यू हैव टू चूज एनी वन फोर दिज फिल अप द बुक इज डैश यू फोर या इन टू अब इन टू तो आ नहीं सकता क्योंकि इंटू तो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं फॉर लिक्विड है, uh, है न तो यहाँ पर फोर आएगा कि ये बुक किसके लिए है आपके लिए है द फ्रॉग्स जम्पड डैश द पोंड अब पोंड भी तो बंद जगह है ना बंद जगह में पानी है उसके अंदर तो इंटू ओके द जग इज़ फुल डैश वाटर ऐट वॉटर तो नहीं हो सकता ना ऑफ वाटर ही होगा कि जग किस से भरा हुआ है पानी से ओके ही इज़ वेरी गुड डैश ड्रॉइंग ऑन ड्राॅइंग एट ड्राॅइंग तो ऐट ड्राॅइंग आएगा ऑन तो नहीं आएगा ना ऑन तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं लाइक दिस बुक इज़ कैप कैप्ट ऑन द टेबल या दिस बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल इस तरीके से जब हम चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी रहती है उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं वी वॉश आर हैंड्स डैश सोप फोर सोप या विद सोप विद सोप है ना कि सोप से हम हैंड वॉश करते हैं वट हैव यू डन टू योर हेयर एट योर हेयर तो नहीं होगा ना अपने बालों के साथ तुमने क्या किया ठीक है तो टू शी सेव्ड हिम फ्रॉम ड्राउनिंग ऑफ ड्राउनिंग या फ्रॉम ड्राउनिंग तो फ्रॉम ड्राउनिंग उसको डूबने से बचाया क्वेश्चन नाइन फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस आई टुक द बॉल फ्रॉम अनीता एंड किक इट द गर्ल इज प्लेइंग with the ball johnny was fined for coming late to school i am very fond of traveling you can see the bird on this star she dived into the water i'll be at home all morning mom please don't be angry with me okay now page number 182 Question number 10 is fill in the blanks in the following paragraph with suitable prepositions given in the box below. You can use a preposition more than once. To on with off. These prepositions are here. You can use one preposition for two times also. Okay, in this paragraph, a milkmaid was carrying a pail dash milk. Pail means bucket and off milk on her head. सर के ऊपर बकेट लेकर आ रही है किसकी मिल्क की शी स्टार्टेड टॉकिंग टू हर सेल्फ आई एल सेल द मिल्क एंड विद द मनी आई एल बाय एग्स द एग्स विल गिव मी लॉट्स ऑफ हैंड्स देन आई विल बाय अ अव एज शी वॉज थिंकिंग शी टोस्ड हर हेड द पेल फेल डाउन ऑन द ग्राउंड ओके क्वेश्चन इलेवन फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस ओके mina last month i along with my parents went to jaipur oh really what did you see in jaipur mina in jaipur i saw many historical buildings rita i have never been to jaipur Meena, my uncle stays there next time you should come along with me all right

शी थ्र यू हर वॉच ऑन द पोंड अब ऑन द पोंड तो नहीं बोलेंगे इन द पोंड बोलेंगे फेक द अनिकेत कट द पिजा इन फोर पार्ट्स इन फोर पार्ट्स तो नहीं होगा इन टू फोर पार्ट्स ओके आई यूजअली यू एक कप ऑन फाइव ई एम अब टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एट यूज़ करते हैं ऑन का यूज़ नहीं करते हैं देर इज़ अ पेंसिल इन टू माई पेंसिल बॉक्स अगेन दिस इज़ रॉन्ग वी विल यूज इन 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 प्लेस ऑफ इंटू इंटू की जगह पर क्या यूज़ करेंगे इन का यूज़ करेंगे सो डियर चिल्ड्रेन आई होप योर प्रिपोजिशन इज़ क्लियर टू यू डू योर वर्क वेरी नाइसली विद नीट हैंड राइटिंग इन योर बुक्स इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ऑल राइट एंड Any day I can conduct your surprise test, so be ready with it. Okay, children. Till then, take care. Bye bye.